लोगों की हत्या के मामले में क्या खुलासा किया है आपने, कौन था हत्यारा? देखिए डॉक्टर परवीन, डॉक्टर परवीन महंदी रहता है, उसके फैमिली मेंबर चार लोगों की हत्या हुई थी, तो 9 तारीख को हमें पता चला था। वारदात का खुलासा हमने पहले ही कर दिया था। इसमें जो आरोपी मुकेश है उसको हमने शिरडी से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 3 दिन का इसका रिमांड लिया। तो इसकी जो मोटिव था वो मोटिव चोरी करने की नीयत से ही ये घर में घुसा था। पहले इसने डॉक्टर साहब की हत्या की, उसके बाद उनकी वाइफ और बाद में उनके बेटी दामाद की, जबकि वो सडनली आ गए। तो क्या किस तरह से प्रोसेस रहा, कैसे इसने हत्या की? इनका पर्पज जो है मोटिव चोरी का ही था। इसने गोल्ड के कुछ ऑर्नामेंट्स चुराए हैं और उनमें कुछ आर्टिफिशियल भी हैं, तो उन सबको हमने बरामद कर लिया है और इसकी निशानदेही के ऊपर हमने जो वारदात के अंदर जो चक्कू यूज हुआ था उसको भी हमने बरामद कर लिया है। किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया था? ये इसने सबसे पहले डॉक्टर साहब की, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले डॉक्टर साहब की हत्या की, उसके बाद में ये इसने उनकी पत्नी की हत्या की। जब उनकी वो सो रही थी, जैसे ये चोरी करने लग रहा था घर के अंदर, तो अचानक उनकी आँख खुल गई और उसके आँख खुलने के बाद में इसने उनकी भी हत्या कर दी। किस समय दाखिल हुआ था? ये सारी चीज़ें हमने पहले भी बताई थी, ये सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी काफ़ी हद तक क्लियर है। करीब 10 बजे के आसपास ये घर के अंदर इसकी एंट्री हुई है। ये जो है जो आरोपी डॉक्टर, आरोपी जो है ये उन डॉक्टर साहब के बेटे का दोस्त है, उनका जानकार है और पहले भी एक बार उनके घर के अंदर ये जा चुका था। इसको अंदर का भी आइडिया था, घर के अंदर का भी, और उनका भी जो है डॉक्टर साहब के बेटे का दोस्त था, उनसे जानकारी भी थी। इनको ये भी पता था कि वो 10 बजे के बाद में यहाँ से चला जाता है, उसका बेटा नहीं रहता। और नहीं, इसने जब घर के अंदर एंट्री की तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को अपने एक्सरे के लिए कहा कि मुझे अपने रिस्ट का एक्सरे करवाना है, और राहुल ने अपना नाम बताया और वहाँ पे उसकी एंट्री भी राहुल के नाम से की हुई है। डॉक्टर साहब ने पैसे लिए और उसके बाद वो नीचे बेसमेंट में एक्सरे के लिए चले गए। चोरी, ये पैसे लूट की जो कोशिश की इसने, जिम ट्रेनर था, फिर वजह क्या रही, क्यों ये पैसा चुराना चाहता था, क्या वजह थी? देखिए इसके ऊपर काफ़ी करीब 4-5 लाख रुपये का कर्जा था और ये बीच में और भी लोगों से, जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज जाएगी, इसने और भी लोगों से पैसे लिए हैं, कुछ कुछ अमाउंट लेते, और इसके ऊपर 5 लाख रुपए के आसपास का कर्जा था। तो टारगेट उन्हें क्यों चुना फिर? टारगेट चुनने के पीछे एक तो इसको अंदर घर के बारे में जानकारी थी, और जहाँ तक इसको ये भी कुछ आइडिया था कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा शायद नहीं है, इसको ये नहीं पता था कि पास में लगा हुआ है। इसको ये था कि उस घर के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, और एक क्योंकि जिम ये करीब 10 बजे के बाद ही ये जाता है और उसी टाइम के से कुछ पहले ही इनका बेटा जाता है, तो ये काफ़ी दिनों से वाच रखे हुए था कि घर के ऊपर भी और जो उनके बेटे के ऊपर भी, किस टाइम पर वो जाते हैं, कौन सा उनका रूट है पूरा, कहाँ से वो सीएनजी डलवाते हैं, कहाँ से, बाकी इसको पूरी इसने अच्छे प्रकार से रेखी की हुई थी। निशाना बनाया नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी रीजन्स हैं। एक तो जो इसका वर्जन है कि बाकी अगर कहीं और मैं जाता हूँ तो मुझे इतनी जो रूट्स, एग्जिट रूट्स हैं, जो बाकी रूट्स हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ क्योंकि रूटीन में आ रहा था तो इसके पूरे रूट्स की जानकारी थी कि मैं कैसे कैसे कहाँ से चोरी करने के बाद भाग सकता हूँ। लूटने वाले घर सामान क्या लूटा गया? सामान जो ये लेके गया, एक कड़ा है सोने का, और एक चेन है, और 2 टोपस है सोना की, एक नाक की नोज पिन है, और कुछ जो है ज्वेलरी जैसे मंगलसूत्र है और कुछ ईयर पिंस भी वगैरह हैं, तो वो आर्टिफिशियल है। कितनी बार ये घर में आ चुका है सर? ये एक बार आया पहले जो है, एक बार आया था। चाकू वारदात के करीब 4-5 दिन पहले इसने चाकू खरीदा है। तो इस पे कर्जा, इतना ज्यादा कर्जा कैसे हुआ है? ये कुछ ऑनलाइन गेम खेलता है, उसकी वजह से इसके ऊपर कर्जा हुआ। गिरफ्तारी कहाँ से हुई और अब पुलिस का अगला एक्शन क्या है? देखिए इसकी गिरफ्तारी सीडी से की थी हमने, और अभी इसके जो इसके ब्लड स्टेन क्लोथ्स और जो शूज है उनकी रिकवरी के लिए इसका फर्दर रिमांड लिया जाएगा। बेटी और दामाद जो है सडनली आ गए थे और इस वजह से ही उनको मारा, अदरवाइज, और दामाद से मारने के बाद उससे भी कुछ पैसे इसने, जो उसके पास पैसे थे पर्सन, वो भी लेके गया वहाँ से। तो उनकी एंट्री कितने बजे के आसपास हुई? वो सब सीसीटीवी फुटेज में काफ़ी हद तक क्लियर है कि करीब 30-35 मिनट के बाद उनकी जो है एंट्री हुई है। पहले पुलिस ने कहा था कि कोई लूट नहीं हुई, बाद में ये चीज़ें नहीं, इसने अगर आप ध्यान से देखें कुछ अलमीरा ऐसी हैं जो खोल नहीं पाया, और बाकी जो जो पर्स जो बैग थे जो कि अंदर से अलमीरा से निकाल के वो थे, वो उसने वहाँ से उस बैग में से निकाला, कुछ ज्वेलरी जो डाले हुई थी उसने वो ले गई। उस टाइम पे जो हमें जो बताया गया था कि घर में जो हो सकता है कुछ माहौल इस टाइप का रहा हो कि घर में कुछ नहीं था, बट जब बाद में चीज़ें पता चली तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आई कि ये चीज़ें गई हैं। सर आपने बताया कि दोस्त था ये, तो बेटे से कोई पूछताछ हुई क्या? हाँ, उनसे फॉर्मल इंक्वायरी हुई है।
तो गिरफ्तारी कब इसकी की गई थी, कितने दिन की अब तक रिमांड पे है और अगली कोशिश क्या है पुलिस की? इसकी सीढ़ी से गिरफ्तारी सुबह 5:30 बजे हमने किया था और उसके बाद में माननीय अदालत पेश करके 3 दिन के रिमांड पे लिया गया था उस्ताद के लिए और इसके लिए लिया गया था। और अभी इसके जो कपड़े हैं जिसमें खून से सने हुए शूज, उन दोनों के रिकवरी के लिए फर्दर इसको रिमांड पे लिया। देखिए हमने पूरे एंगल एक्सप्लोर किए हैं इसमें, अभी इसके अलावा अभी हमारे अभी कुछ भी नहीं आया है। ये चोरी का ही नहीं, पहले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, इसके ऊपर कर्जा हो गया था, इसकी वजह से ही इसने प्लानिंग की थी। चोरी बताया कि क्या नाम, पहले डॉक्टर साहब को मारा इसने, इसको लूट करनी थी तो सबसे पहले ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया डॉक्टर? ये ऊपर ही गया था, ऊपर ही गया था, ऊपर ही एंट्री हुई है डॉक्टर के पास। जैसे मैंने आपको बताया, आपने घर भी देख लिया होगा, ऊपर जाके डॉक्टर साहब पहले पर्ची बनाते हैं, ऊपर पर्ची बनाने के बाद फिर वो बेसमेंट में जाते हैं एक्सरे करने के लिए। तो इसने लेटर जो लिखा था घर पे छोड़ा था, उसका क्या मत? उसका इसको गिल्ट फील हुआ कि मैंने इतने लोगों की हत्या कर दी, और हो सकता है कहीं उसकी कि पुलिस ज़्यादा तलाश ना करे, गुमराह करने की भी कोशिश इसने की। तो पहले वो लेटर घर वालों ने देखा या पुलिस पहुंची? नहीं, वो हमने बरामद किया है। कहाँ से? घर से। तो कैसे सूचना मिली थी सर उस समय की, क्या नाम है? वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इतनी डिटेल्स हम रिवील नहीं कर सकते।